सहनो भवतो सनो सहना भुक्तो सैर्यम करवावहै तेजस्वि नावधीतमस्तु ओम शांति 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 सत्यात प्रकाश में सातवां समोल्लास चल रहा है ईश्वर के स्तुति प्रार्थना उपासना का प्रकरण है कल के पाठ से आगे पढ़ेंगे यजुर्वेद का मंत्र है मानो महांत मुत मानो अर्भकम मान उक्षत मुत मान उक्षितम मानव वधि पितरम मोत मातरम मानह प्रिया सन्वो वो रुद्र रि ऋष मंत्र के अर्थ में कहते हैं हे रुद्र दुष्टों को पाप के स्वरूप फल को देके रुलाने हारे परमेश्वर आप हमारे छोटे बड़े जन गर्भ माता पिता और प्रिय बंधु वर्ग तथा शरीरों का हनन करने के लिए प्रेरित मत कीजिए ऐसे मार्ग से हमको चलाइए जिससे हम आपके दंडनीय न हों परमपिता परमेश्वर का सबसे पहले नाम स्मरण किया गया और कहा कि ईश्वर आप कैसे हैं कि जो लोग दुष्ट कर्म करते हैं उन दुष्ट कर्म करने वाले को आप दंड देते हैं आप उनको दंड दे करके रुलाते हैं हे ईश्वर आपका यह स्वरूप है आपका ये स्वभाव है और कहते हैं हे ईश्वर आप हमें सदैव अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करिए और जो माता पिता या हमारे आश्रित लोग हैं या बंधु हैं उनका हनन हम कभी ना करें भाषा इस प्रकार की है कि हनन करने के लिए प्रेरित मत कीजिए तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ईश्वर हमको प्रेरित करता है और हम उसका हनन नहीं करना चाह रहे हैं और ईश्वर को कह रहे हैं मना कर रहे हैं कि मत कीजिए तो भाषा ऐसी है लेकिन भाव इसका लेना है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी बुद्धि ऐसे विकृत न हो कि हम अपने बड़े बुजुर्ग या अपने आश्रित जो लोग हैं उनका हनन करने लग जाएं ऐसी हमारी विकृत बुद्धि ना हो हम आपके दंड के भागी ना बलें ये प्रार्थना की है आगे कहते हैं असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय अर्थ है हे परम गुरु परमात्मन आप हमको असत मार्ग से पृथक कर सन्मार्ग में प्राप्त कीजिए अविद्या अंधकार को छुड़ा के विद्या रूप सूर्य को प्राप्त कीजिए और मृत्यु रोग से पृथक करके मोक्ष के आनंद स्वरूप अमृत को प्राप्त कीजिए अर्थात जिस जिस दोष व दुर्गुण से परमेश्वर और अपने को भी पृथक मान के परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है वह विधि निषेधमुख होने से सगुण निर्गुण प्रार्थना तो जैसे स्तुति दो प्रकार की थी सगुण स्तुति और निर्गुण स्तुति ऐसे ही प्रार्थना भी दो प्रकार की है सगुण प्रार्थना और निर्गुण प्रार्थना तो यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना की गई कि हे ईश्वर आप हमें असत मार्ग से सत मार्ग क्यों ले चलिए यानी जो मार्ग गलत रास्ते पे जा रहा है वहाँ से हमको हटा दीजिए और जो सही रास्ता है उस ओर हमको ले चलिए और ऐसे ही हम अविद्या से दूर हों और विद्या के मार्ग की ओर चलें विद्या को प्राप्त करें और जन्म मरण के जो बंधन हैं उन बंधनों से दूर हट कर के हम मोक्ष को प्राप्त करें तो सगुण प्रार्थना और निर्गुण प्रार्थनाएँ दो प्रकार की प्रार्थनाएँ हैं तो ऋषि कहते हैं ऐसे गुण जो ईश्वर में विद्यमान हैं जैसे कि न्याय गुण ईश्वर में विद्यमान हैं तो उस गुण सहित ईश्वर को मानना उसका नाम स्मरण करना और उस गुण की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना ये ईश्वर आप न्यायकारी हैं मुझे भी न्यायकारी बना दीजिए यह है सगुण प्रार्थना और निर्गुण प्रार्थना क्या है कि जो गुण ईश्वर में नहीं है उस गुण से अपने आप को भी पृथक कर लेना कि ईश्वर आप कभी अन्याय नहीं करते मुझे भी अन्याय से दूर कर दीजिए तो अन्याय करना ईश्वर में नहीं है और ऐसा मैं भी ना करूं यह है निर्गुण प्रार्थना आगे कहते हैं जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उसको वैसा ही वर्तमान करना चाहिए अर्थात व्यवहार भी वैसा करना चाहिए हम न्याय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो न्याय करने का प्रयास करें वैसा व्यवहार करें अर्थात जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करें उसके लिए जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना किया करें तो यदि हमने बुद्धि के लिए प्रार्थना की है तो बुद्धि के लिए फिर प्राप्ति के लिए जो जो कर्म करने हैं वैसा प्रयास भी करना चाहिए एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत वैदिक परंपरा का क्या है अपने पुरुषार्थ के उपरांत प्रार्थना करनी योग्य है लोक व्यवहार में क्या होता है पहले प्रार्थना की जाती है और बाद में पुरुषार्थ किया भी जाता है नहीं भी किया जाता है लेकिन प्रार्थना पहले होती है लेकिन ये वैदिक सिद्धांत क्या है वैदिक परंपरा की एक सत्य मान्यता क्या है कि पहले पुरुषार्थ करो कि जो भी हमारी इच्छा है उसके लिए पाने के लिए हम प्रयास करें पूरा प्रयास करें और पूरा प्रयास करने के बाद में फिर पुरुषार्थ करें प्रार्थना करें अब कई लोग ये सोचते हैं कि भाई जब हम पहले पुरुषार्थ कर ही लेंगे तो प्रार्थना किस लिए करनी है देखिए तो प्रार्थना करने का जो फल है वो ऋषि ने पहले बता दिया है कि प्रार्थना करने से मिलना कुछ नहीं है प्रार्थना करने से केवल हमारा अभिमान दूर होने वाला है इसलिए अभिमान को दूर करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे हमारे बोलने से ईश्वर हमको कोई वस्तु प्राप्त नहीं करा देगा हमको ईश्वर की सहायता मिलती है किस प्रकार से ईश्वर स्वयं आके हमारे काम करेगा इस प्रकार सहायता नहीं मिलती है हमारे को उत्साह मिलता है बल मिलता है ऊर्जा मिलती है प्रेरणाएं मिलती हैं ये ये ईश्वर की सहायता होती है लेकिन मेहनत तो स्वयं को करनी होती है ईश्वर हमारी मेहनत नहीं करने वाला है ईश्वर हमारे लिए मेहनत नहीं करने वाले हम करेंगे तो ईश्वर हमें प्रेरणा करेगा ऊर्जा और बल देगा इस उद्देश्य के लिए प्रार्थना की जाती है तो प्रार्थना किस प्रकार की जानी चाहिए वो सारा हमने यहाँ वेद मंत्र के माध्यम से पढ़ा है अब कौन सी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए यहाँ बताते हैं ऐसी प्रार्थना कभी न करनी चाहिए और न परमेश्वर उसको स्वीकार करता है कि जैसे हे परमेश्वर आप मेरे शत्रुओं का नाश मुझको सबसे बड़ा मेरी ही प्रतिष्ठा और मेरे अधीन सब हो जाए इत्यादि वेद के अंदर कहीं भी स्वार्थ के लिए प्रार्थनाएँ नहीं हैं कि मेरा हो जाए मेरे को ऐसा मिल जाए जहाँ भी प्रार्थनाएं हैं वहाँ समुदाय को लेकर प्रार्थनाएं हैं कि हमें बुद्धि मिले हम ऐसे बने हम इस प्रकार से चलें यानी मेरी उन्नति हो और मेरे साथ साथ में सबकी उन्नति हो इस प्रकार की प्रार्थनाएं हैं तो ऐसी प्रार्थनाएं ना हो कि मैं ही बनूं, अन्यों का कुछ ना हो मेरी ही उन्नति हो अन्यों की उन्नति हो इस प्रकार की प्रार्थनाएं कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यदि हम ऐसी प्रार्थनाएं करेंगे कि हे ईश्वर मेरे शत्रु का विनाश हो तो क्या होगा बताते आगे क्योंकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिए प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश कर दे अब दो व्यक्ति हैं और आपस में दोनों शत्रु हैं तो दोनों व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना ही करते हैं परमात्मा दूसरे का नाश हो दूसरा भी प्रार्थना करता है ईश्वर उसका नाश हो अब ईश्वर क्या करेगा फिर तो दोनों की प्रार्थना सुन के ईश्वर को दोनों का नाश कर देना चाहिए जो कोई कहे कि जिसका प्रेम अधिक उसकी प्रार्थना सफल हो जाए तो कोई व्यक्ति तर्क दे कि भाई जो अधिक प्रेम से करेगा जिसका प्रेम भक्ति अधिक होगी ईश्वर को उसकी मान लेनी चाहिए तो ऋषि कहते हैं तब हम कह सकते हैं कि जिसका प्रेम न्यून हो उसके शत्रु का भी न्यून नाश होना चाहिए चलो ये तर्क मान ले कि जिसका प्रेम अधिक उसकी अधिक स्वीकार करो तो जिसका कम होगा उसकी भी तो स्वीकार थोड़ी बहुत हो ही जाएगी तो थोड़ी बहुत होगी तो ईश्वर विनाश नहीं करेगा हाथ पर तोड़ देगा जिसकी अधिक होगी उसका अधिक विनाश कर देगा तो थोड़ा बहुत नाश तो होगा ही तो इस प्रकार की प्रार्थना ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करता है इसलिए ऐसी प्रार्थनाएं करनी ही नहीं चाहिए ऐसी मूर्खता की प्रार्थना करते करते कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा हे परमेश्वर आप हमको रोटी बनाकर खिलाइए मकान में झाड़ू लगाइए वस्त्र भी दीजिए खेतीबाड़ी भी कीजिए इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठे रहते हैं वे महामूर्ख हैं बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है दोबारा से पढ़ता हूँ मैं कि जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठे रहते हैं वे महामूर्ख हैं कि भगवान भरोसे बैठे रहो हमारे यहाँ परंपरा को बिगाड़ने का बहुत प्रयास किया गया और ईश्वर भरोसे बैठे रहो भाग्य भरोसे बैठे रहो ये चिंतन धार्मिक लोगों ने समाज में अत्याधिक दिया और यह तक कह दिया कि पंछी करे न चाकरी अजगर करे न काम तो कुछ काम मत करो क्या है दास मलुका कह गए सबके दाता राम यानी भाग्य भरोसे ईश्वर भरोसे बिठाने की एक विचारधारा समाज में बहुत दी गई और इसका प्रभाव अब भी आप देखेंगे कि जो भी ईश्वर व्यक्ति को चाहिए होता है वो जाके परमात्मा से प्रार्थना कर देता है और बस उसको लगता है कि मैंने प्रार्थना कर दी तो ईश्वर मुझे दे ही देगा ईश्वर का ये सिद्धांत ही नहीं है ईश्वर क्या कहता है पुरुषार्थ करने की आज्ञा है उसको जो कोई तोड़ेगा वह सुख कभी ना पाएगा परमेश्वर कहता है मेहनत करो पुरुषार्थ करो ईश्वर कहता है जो पुरुषार्थ करेगा मेहनत करेगा उसी को मैं फल दूंगा उसी को सुख दूंगा तो ईश्वर ने वेद में कहा है पुरुषार्थ करो मेरे भरोसे मत बैठे रहो मेरे भरोसे बैठने का मतलब आप तो कुछ करो नहीं आलसी के बैठे रहो और मेरे से मांगते रहो कि ऐसा मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ जो कुछ चाहिए तो मेहनत करो तुम्हारी मेहनत का फल मैं तुमको दूंगा ईश्वर की आज्ञा है और वेद का मंत्र भी कहता है पूर्वन््य वेह कर्माणी जिजी विषय छतंग समाह परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य सौ वर्ष पर्यंत अर्थात जब तक जीवे तब तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे आलसी कभी न हो तो इस वेद मंत्र में ईश्वर ने क्या कहा कि जब तक भी जियो मेहनत करो जो चाहिए उसके लिए पुरुषार्थ करो और मेहनत करते हुए जीने की इच्छा करो आलसी निकम में बैठ कर के जीने की इच्छा मत करो ये ईश्वर स्वयं कह रहा है इसलिए भाग्य भरोसे ईश्वर भरोसे मत बैठो जो चाहिए उसके लिए पूर्ण पुरुषार्थ करो आगे कहते हैं देखो सृष्टि के बीच में जितने प्राणी अथवा अप्राणी हैं वे सब अपने अपने कर्म और यत्न करते ही हैं संसार में हर चेतन प्राणी पुरुषार्थ कर रहा है जड़ पदार्थ भी ईश्वर ने जिन कामों में उनको नियत कर रखा है लगा रखा है वो सब अपने अपने काम कर रहे हैं उदाहरण देते हैं ऋषि जैसे का चीटी आदि सदा प्रयत्न करते हैं तो एक छोटी सी चीटी भी हमेशा मेहनत करती है वो किसी के भरोसे नहीं बैठी है कि वो व्यक्ति वो चीज़ वस्तु मेरे को ला दे देगा मैं बैठे रहूँ ऐसा नहीं है वो हमेशा प्रयास करेगी सारे प्राणी जितने प्राणी हैं मनुष्य से को छोड़ के आप जितने प्राणी हैं वो मेहनत ही करते हैं वो आलसीियों के किसी के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं कि कोई चीज़ अपने आप मिल जाएगी ऐसा नहीं करते हैं वो पृथ्वी आदि सदा घूमते और वृक्ष आदि सदा बढ़ते घटते रहते हैं वैसे हर दृष्टांत मनुष्यों को भी ग्रहण करना योग्य है तो जैसे और सारे प्राणी मेहनत करते हैं या पृथ्वी आदि जड़ पदार्थ ईश्वर ने जिस काम में उसको नियत किया है उस काम में सदैव वो लगे रहते हैं करते रहते हैं ईश्वर के नियम के अनुकूल चलते रहते हैं तो वैसा ही पुरुषार्थ हमको सदैव करना चाहिए भाग्य भरोसे ईश्वर भरोसे आलसी होकर नहीं बैठना चाहिए आय कहते हैं जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है जैसे एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो उसको मेहनत करता देख करके दूसरा उसका सहयोग करेगा कोई व्यक्ति मार्ग में जा रहा है उसकी गाड़ी कहीं कीचड़ में फंस गई है वो निकालने के लिए मेहनत कर रहा है तो दूसरा भी कोई आ जाएगा और उसका सहयोग कर देगा जैसे गाड़ी फंसी हुई है वो रास्ते किनारे बैठ जाए चिल्लाता रहे भाई निकाल दो निकाल दो खुद कुछ करे नहीं तो उसका सहयोग कौन करेगा कोई भी नहीं करेगा तो इसलिए कहते हैं कि पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय सहाय माने सहयोग दूसरा भी करता है वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है इसी प्रकार से जो धर्मपूर्वक जीवन के अंदर पुरुषार्थ करता है उस पुरुषार्थी व्यक्ति की सहायता ईश्वर करेगा और जो धर्म पूर्वक पुरुषार्थ नहीं करेगा उसे ईश्वर का कोई सहयोग नहीं मिलने वाला है कितनी प्रार्थनाएं करते रहो जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य करते हैं व्यक्ति अपने घर सेवक किसको बनाता है मेहनती व्यक्ति को मेहनत करने वाले को आलसी निकम्मे को कोई अपने घर में कार्य करने के लिए नहीं रखेगा और अन्य आलसी को नहीं देखने की इच्छा करने और नेत्र वाले को दिखलाते हैं अंधे को नहीं जो देखना चाहे उसी को तो दिखाएंगे जो समझना चाहे उसी को समझाएंगे जो कुछ जानने की इच्छा करे उसी को बताया जाएगा जो आलसी होकर सोया रहेगा पड़ा रहेगा उसको कौन क्या कर सकता है कोई उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है उसके लिए ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता है इसी प्रकार परमेश्वर भी सबके उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता है ये एक सबसे बड़ा सिद्धांत है कि सबके भले की कोई प्रार्थना होगी उसमें ईश्वर सहयोग करेगा हानिकारक कर्म में नहीं किसी की हानि करने की प्रार्थना करेंगे किसी का नुकसान चाहेंगे ऐसी प्रार्थनाएं ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करता है इसलिए अपनी भलाई सबकी भलाई के लिए प्रार्थनाएं करें लेकिन प्रार्थना करने का वेद का सिद्धांत क्या है पहले पुरुषार्थ करो फिर प्रार्थना करो समाज में उल्टा चलता है पहले प्रार्थना फिर पुरुषार्थ और उसमें से भी कोई पुरुषार्थ करता है कोई नहीं भी करता है कहते हैं जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहता है उसको गुड़ प्राप्त व उसको स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता केवल कहता जाए गुड़ 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 उसको क्या मिलेगा जो मेहनत करेगा लेके आएगा खाएगा उसको ही तो स्वाद मिलेगा उसको ही स्वाद की अनुभूति होगी केवल नाम लेने वाले को नहीं होगी और जो यत्न करता है उसको शीघ्र व विलम्ब से गुण मिल ही जाता है प्रयास करेंगे तो आज नहीं तो कल नहीं तो कुछ और समय के बाद वस्तु मिल ही जाएगी लेकिन जो प्रयास ही नहीं करेगा मेहनत ही नहीं करेगा उसको कोई चीज़ कभी मिलने वाली नहीं है तो ये स्तुति के बारे में कह दिया प्रार्थना के बारे में कह दिया अब उपासना का विषय प्रारंभ होता है अब तीसरी उपासना श्लोक है उपनिषद का समाधि निर्धूत मलस्य चेतसो निवेशितस्य आत्मनि युखम भवेत न शक्यते वर्णय गिरा तदा स्वयं तदंतकणेन गृह्यतः जिस पुरुष के समाधि योग से अविद्या आदि मल नष्ट हो गए हैं आत्मस सोकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है उसको जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वा वाणी से कहा नहीं जा सकता जिस प्रकार से सांसारिक विषयों का भोग करके व्यक्ति को सुख मिलता है ऐसे ही या इससे बहुत अधिक ऊंचे स्तर का सुख परमात्मा से मिलता है लोगों का चिंतन आध्यात्मिक मार्ग के विषय में क्या है लोग कहते हैं या लोग विचारते हैं कि आध्यात्म का मार्ग माने पलायन का मार्ग है संसार से भागने का मार्ग है देखिए संसार से भागने का मार्ग नहीं है वो सांसारिक सुख को छोड़ करके ईश्वरीय सुख को पाने का मार्ग है एक योगी व्यक्ति सांसारिक सुख का त्याग करके ईश्वरीय सुख को पाने के लिए प्रयास करता है और उसके लिए बहुत अत्याधिक पुरुषार्थ करना होता है जिस प्रकार सांसारिक सुख के लिए व्यक्ति को दिन रात मेहनत करनी होती है ऐसे ही आध्यात्मिक सुख ईश्वरीय सुख के लिए अत्याधिक प्रयास पुरुषार्थ करना होता है उसके लिए अपने सबसे पहले अविद्या राग द्वेष ईर्षा ये सब जो एक मन के गलत भाव हैं उनको समाप्त करना होता है और अपने आप से संघर्ष करना होता है अपने विजयों अपने विचारों के ऊपर विजय पानी होती है अपने कुसंस्कारों को दबाना होता है और ऐसा सब करने पर एक योगी व्यक्ति की समाधि होती है समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार होता है वहाँ पर एक दिव्य सुख की प्राप्ति होती है उसको कहते हैं वाणी से बता नहीं सकते हो कैसा होता है क्योंकि उस आनंद को जीवात्मा अपने अंतकरण से ग्रहण करता है मन से अनुभव करता है उपासना शब्दकार समीपस्थ होना है तो उपासना मतलब ईश्वर के समीप जाना ईश्वर क्या है इसको पहले बता चुके हैं ईश्वर सर्वव्यापक है ईश्वर निराकार है ईश्वर सर्वशक्तिमान है ईश्वर अनादि है ईश्वर न्यायकारी है ईश्वर दयालु है ऐसे बहुत से गुणों की चर्चाएं पीछे की गई हैं तो उस ईश्वर के समीप जाना समीप कैसे जाएंगे आगे बताते हैं अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने तो परमेश्वर के समीप जाने के लिए अष्टांग योग का पालन करना होगा वह अष्टांग योग क्या है उसका संक्षिप्त परिचय यहाँ पर देंगे विस्तृत परिचय के लिए योग दर्शन जो पतंजल ऋषि का है उसको पढ़ना होगा तो ईश्वर के समीप जाने के लिए अष्टांग योग करना है अष्टांग योग से ही ईश्वर के समीप जा सकते हैं और उसको सर्व्यापी सर्वान्तरयामी रूप से प्रत्यक्ष के लिए जो जो काम करना होता है वह वह सब करना चाहिए तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो भी कार्य करना है वह सब हमें करना है और वो कौन से कार्य हैं या संकेत उसका करते हैं तत्र अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमहा बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति यहाँ उपासना के विषय में ऋषि ने लिखी है क्या पंक्ति है जो उपासना का आरंभ करना चाहे उसके लिए यही आरंभ है कि वह किसी से वैर ना रखे तो उपासना का प्रारंभ कहाँ से होगा आंखें बंद करके बैठने का नाम केवल उपासना नहीं है उपासना व्यवहार काल में प्रारंभ होती है सबसे पहले अपने व्यवहार को अच्छा बनाना होगा तब आंखें बंद करके ध्यान लगेगा कई लोग आंखें बंद करके बैठते हैं और ये शंकाएँ करते हैं बार बार कि मन के विचार स्थिर नहीं होते हैं नियंत्रित नहीं होते हैं जब तक व्यवहार को नियंत्रित नहीं करेंगे आंखें बंद करके बैठने से विचार नियंत्रित कभी नहीं होने वाले हैं इसलिए विचार को नियंत्रित करने से पहले व्यवहार को ठीक करना होगा उपासना केवल मात्र आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है सबसे पहले व्यवहार व्यक्ति का बताएगा वो आध्यात्मिक है कि नहीं है तो क्या करना होगा कि वैर भाव द्वेष के भाव किसी के प्रति भी हमारे मन में द्वेष के भाव ना हों मनुष्य मात्र के प्रति ही नहीं प्राणी मात्र के प्रति द्वेष द्वेष माने किसी की हानि को न चाहना किसी की हानि चाहना द्वेष है तो किसी की हानि नहीं चाहना ऐसे भाव होने चाहिए सबसे प्रीति करें सर्वदा हर समय सबके साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार होना चाहिए सत्य बोलें ईश्वर को पाना है ईश्वर के समीप जाना है तो सत्य बोलना ही होगा सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति सत्य असत्य सब प्रकार से हो जाती है लेकिन ईश्वर के समीप व्यक्ति कभी भी जाएगा तो सत्य के मार्ग से ही जाएगा असत्य के मार्ग से ईश्वर के समीप कभी जा ही नहीं सकते नितान असंभव बात है मिथ्या कभी ना बोले इसलिए जो लोग कहते हैं कि क्या करें असत्य के बिना काम नहीं चलता है तो संसार में ऐसे जीने की एक शैली लोगों ने अपना ली हो भले ही लेकिन वो व्यक्ति जो असत्य बोलता है वो ईश्वर के समीप कभी जा ही नहीं सकता है चोरी ना करें चोरी का मतलब है बड़ा विस्तृत अर्थ है चोरी का मैं संक्षेप में संकेत कर दूं कि अपने अधिकार में जो वस्तु नहीं है उस वस्तु का प्रयोग नहीं करना जिस व्यक्ति के अधिकार में वस्तु है उसके बिना अनुमति के उस वस्तु का प्रयोग नहीं करना मुझे पेन चाहिए मेरे पास नहीं है और वो पेन दूसरे के अधिकार में दूसरे का है तो उसके प्रयोग करने के लिए मुझे उसकी अनुमति लेनी चाहिए यदि उसकी बिना जानकारी के मैं उसकी वस्तु का प्रयोग करता हूँ वह चोरी कहलाती है सत्य व्यवहार करें जिते हो इंद्रियों पर संयम होना चाहिए लंपट ना हो अर्थात इंद्रियों पर संयम ना रहना लंपट कहलाता है निरभिमानी हो अहंकार नहीं होना चाहिए अभिमान कभी ना करें ये पांच प्रकार के यम मिलके उपासना योग का प्रथम अंग है तो सबसे पहले व्यक्ति को क्या करना है इन पांच चीज़ों का पालन करना है अहिंसा पहली सत्य दूसरा तीसरा स्तेय चौथा अपरिग्रह पांचवा ब्रह्मचर्य इन पांच को यम कहते हैं उपासना जो करना चाहता है आध्यात्मिक मार्ग की ओर चलना चाहता है उसे इन पांच सिद्धांतों का पालन सबसे पहले करना होगा आगे पांच नियम कहे गए शौच संतोष अध्याय ईश्वर प्रणिधानी नियम कहते हैं राग द्वेष छोड़ भीतर और जल आदि से बाहर पवित्र रहें शरीर को पवित्र और जितने भी साधन हम प्रयोग करते हैं उनको शुद्ध रखें जल अथवा अन्य जिस प्रकार से हो सकते हैं उसकी पवित्रता को बनाए रखें और मन को पवित्र रखें राग द्वेष आदि न रखें मन में धर्म से पुरुषार्थ करने से लाभ में न प्रसन्नता और हानि में न अप्रसन्नता तो संतोष का मतलब क्या है संतोष का भी बड़ा गलत अर्थ लोग लेते हैं लोगों को लगता है कि संतोष माने बस खाली बैठे रहो जो मिल गया तो सो ठीक है नहीं मिला तो कोई बात नहीं ऐसा नहीं है संतोष का अर्थ क्या है धर्म पूर्वक पूरा पुरुषार्थ करें जितना आपके पास सामर्थ्य है पूरा पुरुषार्थ करें और पूरा पुरुषार्थ करने के बाद में जो उपलब्धि है उस उपलब्धि से फिर काम चलाएं ऐसा नहीं कि मेहनत की ही नहीं और फिर जो मिल गया तो ठीक है ऐसा नहीं है पूरा पुरुषार्थ करें धर्म पूर्वक करें और फिर जो मिल गया ठीक है उसमें दुखी ना हो ज़्यादा प्रसन्न ना हो प्रसन्न होकर आलस से छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करें पुरुषार्थी बने ये संतोष हैं सदा दुख सुखों का सहन और धर्म ही का अनुष्ठान करें अधर्म का नहीं यह भी एक विचारधारा समाज में प्रायः व्याप्त मिलेगी कि लोगों को लगता है कि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं हम अच्छे हैं तो हमारे जीवन में हमारे मार्ग में कोई कठिनाई समस्या नहीं आनी चाहिए ऐसा नहीं है हम अच्छे हैं समाज में सब अच्छे नहीं हैं इसलिए हमारे मार्ग में बाधाएं आएंगी कठिनाइयां आएंगी हम भले ही धर्म का आचरण करते हों लेकिन फिर भी समस्याएं आएंगी फिर भी दुख होगा तो उन दुखों का सहन करते हुए भी धर्म के मार्ग पर बने रहना है धर्म के मार्ग को छोड़ना नहीं है इसको तप कहते हैं सत्पुरुषों का संग करें अच्छे व्यक्तियों के संग में रहें और ओम इस एक परमात्मा के नाम का अर्थ विचार करें और नित प्रति जप किया करें ओम जो परमात्मा का मुख्य नाम है उस ओम नाम का रोज जप करें सहित करें केवल शब्द नहीं बोलते रहें ओम ओम ऐसा नहीं है शब्द को बोलें उस शब्द के साथ में उसका अर्थ का भी विचार करें ओम हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं तो सर्वरक्षक ओम का अर्थ है उस पर विचार करें इसलिए कभी भी जब करें तो उसका अर्थ भी साथ में बोला जाना चाहिए अपने आत्मा को परमेश्वर की आज्ञानुकूल समर्पित कर देवें हमेशा ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहे इसे ईश्वर प्रणिधान कहते हैं इन पांच प्रकार के नियमों को मिला के उपासना योग का दूसरा अंग कहाता है तो शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये पांच चीजें हैं इसको हम कहते हैं नियम इनका पालन करना है ये दूसरा अंग है अष्टांग योग का पहला अंग हुआ यम जो पांच प्रकार के थे अष्टांग योग का दूसरा है अंग नियम वो भी पांच प्रकार के हैं तो उपासना ये उपासना ही है सत्य बोलना उपासना है किसी से द्वेष न करना उपासना है ईश्वर की आज्ञाओं का पालन न करना ये भी उपासना है ये उपासना ही है तो इस चीज़ का सबसे पहले पालन करना है तब जा करके के आगे आध्यात्मिक मार्ग के अंदर उन्नति होगी हम ईश्वर के समीप होंगे और ईश्वर के समीप जितना होते चले जाएंगे उतना हमें दिव्य महान सुख की प्राप्ति होगी ये कुछ विषय हमने आज सत्यार्थ प्रकाश के सातवें समोल्लास से पढ़े हैं कल फिर इससे आगे पढ़ेंगे ओम ध्वनि के साथ में विराम देंगे ओ सभी को सादर नमस्ते जी